हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज का टॉपिक ऑफ द डे जो हम डिस्कस करेंगे वो है FAO। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर प्रमोशन, इन सबसे रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो बस जल्दी से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। देखिए, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी वीडियो होने वाली है, दो चार फैक्चुअल पॉइंट्स हमें इसमें पढ़ने हैं एंड दैट्स इट। सो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या। इट इज़ एन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी संस्था है जो एफर्ट्स करती है जो भूखमरी है उसको कम करने में, वैसे तो दूर करना है, हंगर बिल्कुल डिफीट करना है, बट उसको कम किया जा सके वो ही बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन, लोगों को न्यूट्रिशन और बच्चों को न्यूट्रिशनल खाना मिले, जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सबको, है ना, एंड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। सो ये काम है FAO का, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, टू डिफीट हंगर, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। नाउ फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? अब देखिए, FAO जो ये FAO है ना, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस तीन चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर्मेशन कब हुई थी, 1945, 16th अक्टूबर, तो इस दिन आई थिंक वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। फाउंडेड एट, इसकी फॉर्मेशन जब हुई तो कहाँ पे हुई थी, क्वेश्चन ये है, क्यूबेक सिटी कनाडा में हुई थी। कनाडा कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, राइट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली। ध्यान रखना है 1945 फॉर्मेशन, जिस टाइम पे फॉर्मेशन हुई थी कहाँ पे, क्यूबेक सिटी कनाडा में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, रोम इटली में, राइट। मोटो क्या है इसका, लेट देयर बी ब्रेड, मोटो आपने याद रखना है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं इसमें, 195 कंट्रीज, 194 टोटल कंट्रीज हैं, एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो भी यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें से कुछ ने एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक यूनियन बनाई है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो ये खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स हो गए 195, 1945 फॉर्मेशन, क्यूबेक सिटी कनाडा, हेडक्वार्टर रोम इटली, मोटो लेट देयर बी ब्रेड एंड मेंबर 195 कंट्रीज। नाउ सी, इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है, ठीक है, यूएन के अंडर ही ये वर्क करती है। अब आगे यहाँ पे एक करंट अफेयर भी मैंने डिस्कस किया है FAO से रिलेटेड। इसमें इकलौता पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाई UNFAO, इसके हिसाब से, यहाँ इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी उसके हिसाब से, वर्ल्ड फूड प्राइजेज रीच्ड अ हाई, रिकॉर्ड हाई इन 2022। 2022 में जो भी खाने की चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री हैं, इनका प्राइस हाईएस्ट हो चुका है। हर चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा महंगी होगी, वैसे खाने की क्या, मार्केट में आप कुछ भी लेने जाओ, कपड़े, जूते, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी है। लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की थी रिसेंटली, उसके हिसाब से जो पूरी दुनिया में जो खाने की चीज़ें हैं, जो फूड प्राइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। 2022 की ये डिटेलिंग है, राइट। नेक्स्ट आता है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, जो गरीब देश हैं उनको इम्पैक्ट होगा, जो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। इम्पैक्ट क्या होगा, इट वुड लीड poorer countries to reduce the volume of shipped goods। अब जो गरीब देश हैं, जो बाहर से खाना हम अपने देश में इम्पोर्ट करते हैं, उनको इम्पोर्टिंग कम करनी पड़ेगी, है ना। अगर 100 मिलियन टन्स मंगाते थे तो 85 या 90 मिलियन टन्स करना होगा, इससे देश में फिर खाने की कमी हो जाएगी, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, बहुत लंबी स्टोरी रहती है ये, ठीक है। चलिए, अब हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। जैसे कि मैंने कहा था, छोटा सा टॉपिक है, तो बस आपसे दो तीन चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चाहें तो हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।